लगता है कुछ जाहिल किस्म के लोग किसी खिलाड़ी को उसके खेल से नहीं, उसके धर्म से पहचानते हैं। सोचो जरा, जो गलती अर्शदीप सिंह से हुई है, अगर वो गलती रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या किसी और से हुई होती तो इसी तरह खालिस्तानी या घटिया बातें होती। अब तो हद ही हो गई है। अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार तेज गेंदबाज हैं, उभरता हुआ सितारा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में उनसे चूक हो गई। अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवरों में पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी आसिफ अली का आसान कैच टपका दिया। इस मैच में भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। एक कैच क्या ड्रॉप हुआ, उन्हें टारगेट कर लिया गया। अब अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज को एडिट कर खालिस्तानी बता दिया गया। हालांकि सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए देश में विकिपीडिया के अधिकारियों को समन जारी किया है। अर्शदीप के पेज को खालिस्तान से जोड़े जाने और उस कंटेंट के पब्लिकली रिफ्लेक्ट होने को लेकर जवाब तलब किया गया है। अर्शदीप के एडिटेड पेज में लिखा गया था, अर्शदीप ने 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी के जरिए पंजाब की टीम में डेब्यू किया। इससे पहले वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खालिस्तान स्क्वाड की ओर से डेब्यू कर चुके हैं। जुलाई 2022 में वह खालिस्तान की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। अगस्त 2022 में उन्हें खालिस्तान एशिया कप स्क्वाड में शामिल किया गया। सोचिए, अपने देश के अपने ही खिलाड़ियों के लिए इतनी घटिया बातें की जा रही हैं। अर्शदीप को ट्रोल कर रहे लोगों को भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अर्शदीप सिंह को टारगेट करना बंद करो। कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर कैच ड्रॉप नहीं करता। हमें अपने देश के खिलाड़ियों पर गर्व है। पाकिस्तान ने बेहतर खेला है। ऐसे लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर अर्शदीप और टीम को घटिया बातें कहकर अपने ही देश के खिलाड़ियों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अर्श गोल्ड है। बता दें कि इसके पहले मोहम्मद शमी को एक मैच के लिए ट्रोल किया जा चुका है। किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से होनी चाहिए, ना कि उसके धर्म से। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। दोस्तों, अर्शदीप को ट्रोल कर रही ट्रोल आर्मी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।